जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से सर्वत्र भगवत दर्शन तथा महापुरुषों के प्रति तीव्र आकर्षण दोनों ही बातों के लिए जिस क्षण तीव्र उत्कंठा तीव्र चाह उत्पन्न होगी, उसी क्षण आपकी दशा बड़ी विलक्षण हो जाएगी। जीवन में केवल एक ही उद्देश्य रह जाएगा, कैसे ये दो बातें पूरी हों, कैसे किस उपाय से जल्दी यह हो जाए। उस समय जो भी उपाय आपको बताया जाएगा, कोई मामूली व्यक्ति विनोद में भी आपको बता देगा, तो आप वही करने के लिए पागल की तरह तैयार हो जाइएगा। वह करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक मन की ऐसी दशा हो जाती है। पर अभी क्या दशा है विचारें। चेष्टा करने के लिए मन बहुत कम तैयार है। भगवत दर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय, सबसे सरल उपाय, जिसमें मन की बहुत कम जरूरत है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को श्रीमद् भागवत समाप्ति के समय बताया है। पर उसे कौन करने के लिए तैयार है? भगवान ने कहा है, हंसने वालों की परवाह छोड़ दो, लज्जा एवं देह अभिमान आदि भी छोड़ दो, तथा कुत्ते चंडाल गौ गधे तक को भूमि पर पड़कर साष्टांग दंडवत करो। जब तक सभी भूतों में मेरी अभिव्यक्ति ना दिखे, तब तक शरीर मन एवं वाणी की वृत्तियों से ऐसी उपासना करो। भगवत प्राप्ति के लिए जितने उपाय हैं, उनमें सबसे सुंदर उपाय मेरी राय में यही है कि सभी भूतों में मन वाणी एवं शरीर की वृत्तियों से मेरी भावना की जाए। ये भगवान श्री कृष्ण ने श्री मुख के वाक्य हैं। भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर उपदेशक ना कोई है, ना हुआ है, ना आगे कोई होगा। पर कौन उपयुक्त उपायों को करने के लिए तैयार है? आपका शरीर इसे कर ही नहीं सकेगा। तरह तरह की युक्तियों का, योग्यताओं का, महापुरुषों की राय का बहाना बताकर आप इसे टाल देंगे। इसी प्रकार महापुरुषों की श्रद्धा के लिए जिस समय सर्वस्व त्याग का प्रश्न खड़ा हो जाए, उस समय इतने ऊंचे त्याग की बात छोड़ दीजिए। तुच्छ से तुच्छ त्याग भी सहज से नहीं होगा। आपको जीवन निर्वाह के लिए कमी नहीं है, पर मन में रुपयों का महत्व रहने के कारण होता यह है कि जरा सा कभी भी उसमें नुकसान पहुंचने की बात ध्यान में आ जाए, तो सबसे पहले उसकी रक्षा का प्रश्न उठ खड़ा होता है। ठीक ऐसे ही जिस दिन भगवत दर्शन संत प्रेम का महत्व मन में घर कर जाएगा, उस दिन अपने आप सभी उपाय आप करने लग जाएंगे। जय श्री राधा माधव।